Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine and ready to study. Dear students, we are taking a step ahead for our accountancy classes. The topic is Rules of Debit and Credit of class 11th. This is a basic class, you can say. अगर आप चाहते हैं कि आप accountancy आए तो ये class आपको ज़रूर देखनी है, ज़रूर सीखनी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. एज यू नो, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स हैव टू साइड्स. मतलब एक ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स इफेक्ट करते हैं और दो साइड इफेक्ट करती हैं. एक साइड होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट साइड. क्लियर? तो हमने ना आज यही सीखना है कि कब हम डेबिट करेंगे और कब हम क्रेडिट करेंगे. सो हम अमेरिकन अप्रोच को आज लेकर चलेंगे. ठीक है, देखिए हमारा जो अकाउंटेंसी होती है वो पांच चीज़ों पर निर्भर करती है. फर्स्ट अगर हम बोले तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तीन चीज़ तो ये हो गई. मतलब जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, या तो एसेट पे इफेक्ट हो सकता है या लाइबिलिटीज़ पे या कैपिटल पे. और दो चीज़ें और हैं, या तो वो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस होंगी या इनकम से रिलेटेड होंगी. तो हमारे पास यहाँ पर पाँच चीज़ें हैं. ठीक है, इन पाँच चीज़ों के चारों ओर ही हमारी पूरी अकाउंटेंसी घूमती है और दो एस्पेक्ट्स हमारे रहते हैं डेबिट और क्रेडिट के. तो आज देखेंगे कि कब एसेट्स को डेबिट करना है, कब एसेट्स को क्रेडिट करना है. तो कुछ सिंपल सी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है. यू शुड बी कीप इन योर माइंड व्हाट. देखिए सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आज प्रैक्टिस यही करनी है. एसेट्स का ऑलवेज बैलेंस होता है डेबिट और लाइबिलिटीज का ऑलवेज बैलेंस होता है क्रेडिट. क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. इफ एसेट इज डेबिट देन लाइबिलिटी इज क्रेडिट. एंड क्रेडिट लाइबिलिटी और कैपिटल एक ही साइड रहती हैं. सो कैपिटल का बैलेंस भी क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा. ओके, फिर बात आती है एक्सपेंसेस की. एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है और जो इनकम्स हैं उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है. क्लियर? ये चीज़ें याद रखनी है, बैलेंसेस. सो आप बिल्कुल आराम से याद करेंगे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अगर आप एसेट का बैलेंस याद कर लें डेबिट, तो लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस उसका रिवर्स रहेगा, यानी कि क्रेडिट रहेगा. अगर आप एक्सपेंसेस का याद कर लें डेबिट, तो इनकम का अपोजिट रहेगा क्या, क्रेडिट. क्लियर? तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है, एसेट और कैपिटल, और सॉरी एसेट एंड एक्सपेंसेस. सेम सिचुएशन आ रही, असेट्स एंड इनकम्स, सॉरी एक्सपेंसेस, ए एक्सपेंसेस, ए ई डेबिट, ए ई रहेगा आपका डेबिट. ओके, सो लेट्स डू. अब बात आती है कि मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर होती है आपकी एसेट. जब आप फर्नीचर खरीदोगे, मतलब आपके पास बिजनेस में ज़ीरो फर्नीचर था और आपने फर्नीचर को खरीदा, तो क्या लिखोगे आपको, आप उस फर्नीचर को कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे. पहले ज़ीरो फर्नीचर था, 50,000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया बिजनेस में. सो इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज कहाँ लिखी जाती है, डेबिट साइड में. इसका रिवर्स करेंगे, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड लिखी जाएंगी, क्रेडिट साइड में. अगर कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे. एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट में, और इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में. क्लियर? मतलब अगर इन सारी चीज़ों में इंक्रीज होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ोतरी होगी, तो आपको कहाँ लिखनी है, आपको जो इनके बैलेंसेस हैं ना वहाँ लिखनी है. क्लियर? नेक्स्ट,
इसका रिवर्स रहेगा, रिवर्स डेबिट का रिवर्स हमेशा क्रेडिट रहता है। तो अगर इंक्रीज का उल्टा कर दूं मैं डिक्रीज, एसेट अगर डिक्रीज होंगी तो कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होंगी तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, अगर एक्सपेंसेस होगा डिक्रीज तो क्रेडिट साइड में, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में लिखना है आपने। क्लियर, ये आपके जो है ना बेसिक यू कैन से कंसेप्ट हैं जिसे आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये चीज़ तैयार करेंगे, अब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट गेट स्टार्ट। प्रैक्टिस करना आप भी साथ के साथ करेंगे। मैं ट्रांजेक्शन लिखूंगी, वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, फर्नीचर ही ले लेते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कितने में खरीदा, 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है वो कौन से में से बिलोंग करता है। तो देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है, आपकी फिक्स एसेट होती है, ई भी एसेट हो गया। खरीदा फॉर कैश, कैश भी क्या होता है आपकी एसेट होती है, बट एसेट होती है करंट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे करंट हो चाहे फिक्स हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर, तो आपने देखा जब आपने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस है ये, मान लो आपकी ये फर्म है ये कोई भी है, तो आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर आपको फर्नीचर आया, पहले आपके पास फर्नीचर नहीं था, अब आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके बिजनेस में जो फर्नीचर वो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज हुई है। तो फर्नीचर को क्या करोगे आप, डेबिट। क्लियर, फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट में। सेकेंड है, सेकेंड क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है, दो एस्पेक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर एक चीज़ डेबिट हुई तो दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि क्रेडिट हो। तो नेक्स्ट है आपका कैश, सो कैश देखिए आपने फर्नीचर तो आ गया आपके पास, लेकिन कैश आपके पास से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1,00,000 रुपये था फर्म में, ठीक है, आपने 20,000 रुपये किसको दिए, वेंडर को दे दिए, तो 20,000 से अब आपके पास कितना कैश बचा, 80,000, ठीक है ना। तो ये 80,000 कैसे बचे, जब आपने 20,000 रुपये कम कर लिए, तो यहाँ पर जो कैश है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर कैश को करेंगे हम लोग क्रेडिट। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल लेंगे, सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो लेते हैं कि हमने क्या किया, गुड्स खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो प्यारे बच्चों जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, और माल को हम कहाँ रखेंगे, स्टॉक में। सो स्टॉक आपको पता है क्या होता है, असेट। हमारे पास बिजनेस में स्टॉक नहीं था, हमने माल खरीदा तो आया हमारे पास, तो स्टॉक बढ़ गया, यानी कि एसेट विल इंक्रीज। आफ्टर दैट सेकंड एस्पेक्ट ढूंढेंगे, इफ़ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सो आपकी क्या बनते हैं बच्चों, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। और हमारी पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी, अब हमें किसी को 10,000 रुपये देने हैं, तो यानी कि हमारे जो क्रेडिटर हैं दैट विल इंक्रीज। ओके, सो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एक चीज़ को हम डेबिट कर रहे हैं, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। क्लियर, ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, सैलरी पेड, आपने क्या दिया, सैलरी दी, तो सबसे पहले सैलरी को पे करोगे, तो सैलरी होती है आपकी एक्सपेंस। ओके, सो पहले आपने कोई सैलरी नहीं दी, अब आपको सैलरी पे करनी है, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, और पे कैसे करोगे, कैश, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैश हो जाएगा। कैश क्या होती है, एसेट होती है, आप जब कैश दोगे तभी तो सैलरी पे होगी, सो क्या एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और एसेट्स कम होगी, जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे डेबिट और एसेट्स कम होंगी तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़े
पे किया तो डेबिट, और एसेट्स कम होंगी तो हम करेंगे क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट स्टेशन लेंगे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हो रहा है सो इनकम होगी। आपको पहले कोई इन पैसा नहीं मिल रहा था, अब आपको रेंट मिल रहा है तो इनकम हो गई है, तो रेंट रिसीव्ड है तो यानी कि आपका इनकम क्या है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी रेंट इनकम कैसे रिसीव हो रही है, कैश में। कैश मिलेगा ना तभी तो रेंट रिसीव होगा। सो दूसरी चीज़ जो हमारे अकाउंट हो गया वो कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट होती हैं। आपको पैसा मिल रहा है तो योर कैश विल इंक्रीजेज, और जब एसेट बढ़ती हैं सो डेबिट होती है वो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, ओनर ने 1,00,000 रुपये लगाए। ओके 1,00,000 रुपीज लगाए, तो कैपिटल आपके पास थी नहीं बिजनेस में, अब कैपिटल आ गई है तो योर कैपिटल इज इंक्रीज। और कैसे आया, कैश लगाया सो कैश भी आ गया आपके पास। सो कैश क्या होता है, एसेट होती है, मतलब पैसा भी आ गया और कैपिटल भी आ गई। तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। सो हम क्या करेंगे, अभी हम कैपिटल को तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, और कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। ओके ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है, आज इन्हीं रूल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि छोटा सा टॉपिक है, इजी सा है, बट अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको पहले मैंने बताया कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकम क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है। आज मैंने बताया कि इनके बैलेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज रहता है डेबिट, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंडिचर्स का बैलेंस डेबिट। सो आप अगर इन चीज़ों में इंक्रीज होता है तो इनके बैलेंसेस जो होंगे वही रहेगा। अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो एसेट डेबिट ही होंगी, अगर एसेट घटती हैं तो क्रेडिट होंगी, अगर लाइबिलिटीज़ घट रही हैं तो डेबिट होगा, अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, अगर कम हो रही है तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं डेबिट होगा, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं क्रेडिट होगा, इनकम बढ़ रही है क्रेडिट होगा, इनकम कम हो रही है डेबिट होगा। सिंपल सा चार्ट है। और अगर आपको मैं बताऊं, अगर और भी सिंपल आप करना चाहें तो सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें कौन सी होंगी, देखिए, एक सिर्फ डेबिट डेबिट याद रख लो, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइब एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। अब एसेट क्या है, अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, तो एसेट का उल्टा लेते हैं हम, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, तो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा। बस सिर्फ दो चीज़ याद रखो, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, अगर एक्सपेंसेस घटेंगे तो क्रेडिट, अगर बढ़ेंगे पॉजिटिव डेबिट हो रहा है तो घटेंगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा, ठीक है। एक्सपेंस का उल्टा इनकम, क्योंकि अगर एक्सपेंस बढ़ रहे थे तो डेबिट हो रहा था, तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, सिंपल से। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें, एक तो एसेट और एक एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, दो चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ये चीज़ें बढ़ती हैं तो डेबिट होता है, बाकी वॉइस वर्स। क्लियर। आपको अच्छे से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गए होंगे। फर्दर जो वीडियो आएगी हमारी वो भी रूल से ही रिलेटेड होगी, ठीक है, जिसमें हम अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। क्लियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर करना, कम से कम 20-25 ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे नोटबुक में, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट कमेंट में डालना, मैं इसका रिप्लाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इश्यू करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।